हर साल हम लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं और पूरा साल उन्हें अचीव करने में लगा देते हैं। इसी तरह 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मैं 2022 में अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाऊंगा और मेरे एकेडमिक्स में और मेरी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। 2022 में मेरा सोल गोल था जिम के रिलेटेड कि मुझे मेरी बेस्ट फिजिक 2022 में लानी है, लेकिन जैसे जैसे मैं जिम ट्रेनिंग करता गया मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ का जो कीड़ा होता है वो घुस गया और पावर लिफ्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर घुस गया। और फिर उसी तरह आई डिसाइडेड दैट इस साल मुझे मेरी स्क्वाट 140 केजीज, डेडलिफ्ट 185 केजीज एंड बेंच 100 केजीज तक पहुंचानी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है हर एक लिफ्टर की लाइफ में। बट अनफॉर्चुनेटली आज से लगभग 4 महीने पहले मुझे एक बैक इंजरी हो गई। उस बैक इंजरी को मुझसे हील होने के लिए लगभग 3 महीने लग गए और 3 महीने के लिए मैं स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट तीनों से बहुत ज़्यादा दूर था। ऑनेस्टली दीज 3 months वर द हार्डेस्ट मंथ इन माई लाइफ, बिकॉज जो चीज़ मैं बहुत मेहनत से कर रहा था वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा था, जिसको मैं बहुत एंजॉय कर रहा था वो मेरे से कहीं ना कहीं दूर हो गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लकीली जब मेरी धीरे धीरे इंजरी रिकवर हो गई तब मैंने वापस से डेडलिफ्ट स्टार्ट कर दिया और स्क्वाट और बेंच भी स्टार्ट कर दिया। तो आज है 22nd October, तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है क्योंकि आज मैं 4 plates डेडलिफ्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ, विच इज़ 405 pounds एंड 185 kg। लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट इट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं 15 साल का हूँ एंड आई एम गोना लिफ्ट 405 pounds, विच इज़ अ बिग नंबर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मुझे वो उठाना है, तो लेट्स गो किल इट। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं बेड में क्या कर रहा हूँ, मैंने तो अभी बहुत ज़्यादा भाषण दिया था, आग लग गई भाई। अभी मैं उठ गया हूँ और फिर अभी हम जिम के लिए निकलते हैं, लेकिन एक मिनट, ऐसे उठूँगा तो वाइब नहीं आएगी। एक काम करते, इन्फ्लुएंसर की तरह उठते, चलो। So we are all set to leave for the gym and kill the fucking PR, baby. Let's fucking go. I have the rage inside me because I want to lift that shit from so long, but because of my injury, man. तो अभी जाके वो PR की फाड़ देंगे और उड़ाना है, ठीक है? I'm leaving for the gym और मैं आपको अभी जिम में जाके मिलता हूँ सीधा। Let's go, we go gym, चलो। भाई एवढा लेट का लेट क्यों आया था? साहिल इज लाइक 10 minutes लेट, एनी इज फॉरगिवन, जान दो। I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. अभी डेडलिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं जोन में जा रहा हूँ और I'll see you after the lifts. Enjoy the lifting montage. 405 उड़ाना है, let's go.
Some days I'm narcissistic, some days I'm in my way. Some days I try to sleep with pins and needles in my brain. Some days I feel sadistic, a portrait of my pain. And some days I live in fear that I am every fucking thing I like. Shut up, shut up, shut up, shut up. Shut up, shut up, shut up. Stepping out into the universe, we must confront the reality of interstellar travel. We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals, but as a species. Do not go gently into that good night. Busted guys, LFG, LFG guys, LFG, let's fucking go. So guys, 185, 4 plates, done, and I can't tell you how happy I am right now. वो injury की वजह से मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मैं deadlift कर ही नहीं पा रहा था. और मेरा ये जो टारगेट था ईयर एंड का कि मुझे 180 और जो भी स्पॉट वगैरह भी था वो मारना था, वो मार नहीं पा रहा था. बट फाइनली वी डिड इट एंड जल्दी 200 किलो भी उठाएंगे. सो कीप वॉचिंग एंड इस लिफ्ट के लिए जल्दी से लाइक करो नीचे जाके. एंड आई एम सो हैप्पी, आई कैन डू नाउ. लेट्स डू सम बैक एंड बाइसेप एंड मैन बिहाइंड द कैमरा जिसने आज एंड किया था. बट अभी मैं मतलब फोरो जो आपने पहले की क्लिप्स देखी वो शायद से कितने दिन पहले की होगी, लगभग वेडनेसडे 4 डेज पहले की थी. सो राइट नाउ आई एम एट मैकडॉनल्ड्स, आप देख सकते हो, विथ दिस ब्यूटीफुल लेडी. एंड अभी हम कुछ थोड़ा सा खाएंगे एंड आज क्रिसमस भी है. सो मेरी क्रिसमस टू यू ऑल. थोड़ा सा लेट है आई नो, बट स्टिल मेरी क्रिसमस बोल भाई. मेरी क्रिसमस हो.
Santa's little Santa. And अगर कोई 8 साल का बच्चा देख रहा है Santa is not real. I just ruined your Christmas. And right, so अभी हम खाएंगे and I guess church में जाएंगे. Sure. Let's go to Lord Jesus. Let's go. तो भाई अभी ये vlog जो भी मतलब देख रहा है वो अगर कभी मैकडी गया है तो क्या आपको भी मैकफ्लरी नहीं मिलता है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? हमने हमारा लाइफ टाइम का लक आज यूज कर लिया, लाइफ टाइम का लक आज यूज हो गया. अभी जिस मैकडी में हम जाते थे वहाँ पे फ्लरी मिलेगी नहीं, कभी भी जाओ नेवर नेवर. वो बोलते हैं मशीन टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया, दिल टूट गया, सब टूट गया उनका, पर मैकफ्लरी कभी नहीं मिलेगी. तो हम आज दूसरी जगह आए तो हमें फाइनली नसीब हुई मैकफ्लरी. और अभी ये थोड़ा सा चिकन नगेट्स एंड ऑल भी खाएंगे और फिर चर्च में जाएंगे. दो हफ्ते मेहनत करो और फिर एक दिन ये सब चलता है, समझे? पर पहले 2 हफ्ते मेहनत करो, दो हफ्ते अपनी घिसो फिर करो. ओके गाइस, सो मैं बाहर गया था, वहाँ से मैं घर पे आ गया हूँ एंड मुझे आप लोगों से कुछ कहना है. आई वांट टू से समथिंग. देखो अभी नया साल आ रहा है तो आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू चेज योर फकिंग ड्रीम्स. आपके जो भी गोल्स है 2023 में, 2022 में आप जो भी अपने गोल्स कंप्लीट नहीं कर पाए और 2023 के एड ऑन गोल्स, उन सबको अचीव करो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहो एंड चेज योर ड्रीम्स, एन्जॉय योर लाइफ बिकॉज दैट्स ऑल इट इज़ अबाउट. एंड 2022 वॉज अ ग्रेट ईयर. शायद से आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब ये साल ख़त्म हो गया होगा, बट ये साल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है. बहुत अच्छा ईयर था ये मेरे लिए एंड आप सब से मैं जुड़ पाया और काफ़ी लोग मुझे फॉलो करने लगे और होपफुली और भी लोग जुड़ेंगे. सो आई जस्ट वांट टू से चेज योर फकिंग ड्रीम्स एंड वी ऑल गोना मेक इट. और बहुत ज़्यादा मेहनत करो जस्ट लाइक मी एंड कीप सपोर्टिंग मी. और या आई गेस दैट्स इट. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. $2,000 Paytm. Cut.